तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और फाइनली अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 3 MB का अपडेट आया था, जिसकी वजह से आईडी बहुत सारी आईडी बैन हो रही थी बिना किसी रीजन के, क्या वो हो रहा है या फिक्स हो चुका है। और दूसरी चीज़ अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसका रूल ऑफ जो कंडक्ट है, किस वजह से बैन मिल रहा है इसका जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। और तीसरा अपन डिस्कस ये करने वाले तो क्या BGMI से वापस अपन पबजी में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए अपन वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइज, गुड न्यूज़ तो ये है कि अभी जो अपडेट था आया था ये 3 MB वाला, जो जिसके वजह से आईडी बैन वैन हो रही थी, वो हो चुका है फिक्स। सिर्फ उन प्लेयर के लिए हो चुका है फिक्स जो लोग जब से गेम आया है तब से किसी भी गलत चीज़, किसी भी थर्ड पार्टी चीज़ का यूज नहीं किया, सिर्फ उन लोगों के लिए फिक्स हो चुका है। जो लोग प्रीवियसली यूज कर चुके हैं उनके लिए अभी 1 से 2 वीक के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट आने वाले हैं, उसमें ये सब सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। और जो हम बात करने वाले थे कि पबजी से अपन जो डाटा ट्रांसफ़र कर, BGMI से डाटा जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं BGMI में, गाइज वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपको बोलेगा गाइज कि मैं कर दूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा कर दूंगा, टेलीग्राम में जाओ, तो वहाँ पे आप जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और प्लस अपना आईडी स्कैम नहीं करवाना। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गाइज अपन डिस्कस करने वाले कि ये जो अभी अपना रूल ऑफ कंडक्ट है, जो BGMI का है, किसके वजह से बैन मिलता है, क्यों मिलता है, नहीं मिलता है, तो अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन BGMI के जो ऑफिशियल पेज है वहाँ से डाटा निकाल के आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ कि किस वजह से ये लोग किन किन हरकतों से आईडी को बैन करते हैं। तो चलिए पहले अपन शुरू करते हैं ये लोग, आप इन्फॉर्मेशन ये देख लो, आपके स्क्रीन पर भी आएगा। बेसिकली ये जो नोटिस आया था 19 फरवरी को आया था, वो भी 2024 में। और इसमें जो बात कही गई उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि इन गेम में टीममेट का बिहेवियर या फिर कैसे आप नाम रखते हो, इस सब के वजह से आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगाए जाएंगे। तो किस कैसा नाम रखने से, किसको क्या बोलने से कौन कौन सा पेनल्टी लगेगा, वो चीज़ मैं आप लोग को अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर वो देखते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे आता है, बोला यूज डेवलप एडवर्टाइज ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट अनऑथराइज प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी चीज़ हैक वैक का जो अगर आप किसी को यूज करते हो या किसी को बेचते हो या शेयर करते हो, उसके वजह से आपका जो मैक्सिमम पेनल्टी पीरियड होगा वो परमानेंट बैन होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है, इन्वेस्टिगेट द यूज ऑफ अनऑथराइज प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइसेज, जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे, यानी कि ये सच में हैक है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में अगर इन्वेस्टिगेट करते खुद लगा के, उसकी वजह से आपका 3 डेज बैन जाएगा। फिर है मोडिफिकेशन ऑफ गेम क्लाइंट सर्वर्स एंड गेम डाटा, समझ ही आ गया होगा कि गेम जो मेन गेम है जो हम डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, उसके ओबी में कुछ छेड़छाड़ करने की वजह से आपको परमानेंट बैन देगा। देखो, और आप लोग जो बोल रहे थे भाई मैं लेजिट 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 बैन जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लॉइटिंग बग्स एंड ग्लीचेज, आप ग्लीच का यूज करोगे गेम में जो कुछ आ रहा है, हवा में परी बनोगे, हवा में घोड़ा बनाओगे, उसके वजह से भी आपको परमानेंट बैन मिल सकता है। फिर है आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे या फिर इनप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करोगे, गाली दोगे किसी को या फिर क्लैन का नाम या अपना नाम में उल्टा पुल्टा कुछ लगाओगे, उसके वजह से भी आपको बैन मिल सकता है। और फिर आता है किसी को आप स्टॉक करते हो, टीम अप करते हो, गेम प्ले के इंटरफेस में चेंज करते हो या फिर जैसे रिफंड करते हो, उस सब के वजह से भी आपको जो होता है बैन मिलता है। तो गाइज मैं आप लोग को सारा प्रोसेस बता दिया किस किस वजह से आपको बैन मिल सकता है, और किसी आप लोग को जो बैन मिला है इनमें से किसी एक वजह के कारण आप लोग को मिला हुआ कोई भी लेजिट बैन नहीं गया। और अगर आप लोग लेजिट बैन हो तो कस्टमर सपोर्ट से आप लोग वहाँ पे मेल वेल करो, वो आपको रिप्लाई करेंगे। और गाइस जो लोग भी यूज़ करते थे थर्ड पार्टी किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए जो है अभी 1 से 2 वीक के अंदर एक मेजर अपडेट आएगा, तो वो फिक्स हो जाएगा। और बाकी जो लोग लेजिट प्लेयर हो वो खेलो, और बाकी किसी को भी डर लगता है तो ना खेलो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।